जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मिस, एक्सक्यूज मी मिस, हेलो मिस अनारकली, आर यू टॉकिंग टू मी? यस एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन, लेकिन आप तो अपने ख्यालों में खोई हुई हैं। अटेंशन चाहिए तो सही मूवी तो गेस करते। व्हाट डू यू मीन, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा इज क्लियरली फ्रॉम मुगले आजम। तुम आधे अधूरे इंडियन हो क्या? द सॉन्ग इज फ्रॉम ताजमहल, जिसमें अनारकली नहीं मुमताज महल थी। रियली? रियली? एंड व्हाट अबाउट प्यार किया तो डरना क्या, इज दैट ऑल्सो ताजमहल? नो, दैट्स मुगले आजम। ठीक है, तो मैं इतना भी गलत नहीं था। गलत होने से इतना डर है? सॉरी, कुछ नहीं। व्हाई डिड यू वांट माय अटेंशन? राइट, लास्ट कॉल है। ऑलरेडी? इट्स ओनली 12:30 AM। नॉट फॉर मी माय डियर सलीम। फॉर मी इट्स 6 AM। वेट, इट्स 4 PM? आई एम नॉट श्योर। वक्त अक्सर मेरा साथ छोड़ देता है। सो यू जस्ट पासिंग थ्रू? एक खाली एयरपोर्ट होटल के बार में अकेले बैठे पी रही हूँ। व्हाट गिव यू द आइडिया कि मैं यहाँ की नहीं हूँ? कैन आई गेट यू एनीथिंग एल्स? वेल, दैट डिपेंड्स। कितना वक्त है हमारे पास? 15 मिनट गिव और टेक। ओके, हु गिव्स एंड हु टेक्स? सॉरी, ज्यादा मत सोचो। आई विल टेक अनदर ग्लास ऑफ वाइन अभी, एंड देन एक और 10 मिनट में, और फिर एक और उसके 5 मिनट बाद। वन ऑफ दोज नाइट्स, हाँ। एक्सक्यूज मी, आई जस्ट सॉरी, हियर्स योर वाइन। कहने के बाद क्यों सॉरी कहते हो? डोंट रिग्रेट सो इजिली। हाँ, लेकिन आई डिडंट मीन टू। व्हाट साउंड मीन? हाँ, इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज थॉट्स जो अंदर रहने की जगह बाहर निकल आए, यू नो, आई डिडंट मीन टू। इफ यू डिडंट मीन टू बी मीन, तो ये सोच कहाँ से आई? आई एम सो, डोंट वरी अबाउट इट। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें, यू नो एंड ऑल। ये मुझे पता है, दिल तो पागल है, राइट? नेवर माइंड, इट वॉज जस्ट अ थॉट, यू नो, जो अंदर रहने की जगह बाहर निकल आई। आई विल जस्ट लीव यू टू योर ड्रिंक। अरे कहाँ चले? 2 घंटे से यहाँ अकेले बैठे पी रही हूँ और तुमने बातें शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। ओह, ओके ओके, वेट वेट, मैं ये नहीं कह रही कि आई एम फीलिंग लोनली और समथिंग। नो नो, आई वाजंट, आई एम डन अस्यूमिंग एंड रिएक्टिंग सो क्विकली। शुड बी स्टार्ट अगेन? या बिल्कुल। ओके, सो व्हाट ब्रिंग्स यू टू टाउन? माय डियर सलीम, इस बोरिंग सवाल का जवाब हमेशा उतना ही बोरिंग होता है। कुछ और ट्राई करो। ठीक है, तो क्या करती हैं आप? मैंने तुम्हें तुम बना दिया और तुम आप पर ही हो। इतना भी फर्क नहीं है हमारी उम्र में। देखिए, आप कस्टमर हैं तो ये आप इज्जत के लिए है, उम्र के फासले के लिए नहीं। ओके ओके, नॉट बैड। वेल, मैं एक रिस्क इवैल्यूएशन स्पेशलिस्ट हूँ फॉर अ टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसका नाम तुमने सुना नहीं होगा। व्हाई डज अ टेक्नोलॉजी कंपनी नीड अ रिस्क इवैल्यूएटर? यू नो, तुम्हारे सवाल फिर से बोरिंग हो रहे हैं। आउच, जो फील किया कह दिया। इतनी वाइन पीने के बाद वैसे भी काफी कुछ फील होता है। आउच, जो मन में है उसे कहने के लिए माफी मांगना बंद करो यार, ज्यादा खुश रहोगे। देखो, मुझे ये जिंदगी के लेसन्स देना बंद करो। मैं कोई बच्चा नहीं हूं, काफी कुछ देखा है मैंने। लेकिन कितना कुछ किया है तुमने। यू आर, चलो छोड़ो, तुम ही सवाल पूछो, देखते हैं तुम्हारे कितने इंटरेस्टिंग होते हैं। ओके, कितना वक्त हो गया साकी बने? साकी? मेकिंग ड्रिंक्स, जो अपने हाथ से बनाकर पिलाए उसे साकी कहते हैं। रियली, आई लाइक दैट,
साकी, हाँ इंटरेस्टिंग. साकी बने 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट. नॉट द बेस्ट क्वेश्चन दो. असली सवाल तो आ रहा है, हाउ मेनी ऑफ योर कस्टमर्स हैव यू स्लेप्ट विद? व्हाट? तुमने कहा इंटरेस्टिंग सवाल पूछो. यू नो, अगर ये बार अभी इतना खाली नहीं होता और आप तुम इतनी अट्रैक्टिव, आई वॉज गोइंग टू से इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव कहने में कोई पाप है क्या? अनलेस यू थिंक आई एम नॉट. एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? आई कांट टेल कि तुम मुझ पर लाइन मार रही हो या बस मेरे मजे ले रही हो. एक बात में कई सच हो सकते हैं और कई झूठ. ओके अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ क्या तुम्हें अपने कस्टमर्स के साथ पीने की इजाजत है? वेल, डिपेंड करता है. ऑन व्हाट? कि कस्टमर कितनी अट्रैक्टिव है. आ इंटरेस्टिंग. क्यों? क्या तुम एक कहानी सुनना चाहते हो? क्या वो कहानी अच्छी है? तुम्हारे सवालों से तो काफी बेहतर है. फाइन, व्हाट्स इट अबाउट? कहानी सुनने से पहले ट्रेलर भी चाहिए तुम्हें. डोंट यू वांट कि कहानी सुनते हुए तुम्हें सब नया लगे? सरप्राइज होने की बजाय सरप्राइज का इंतजार क्यों करना चाहते हो? ऑलराइट, और अगर कहानी सुनकर मजा ना आया तो? ओके, तो तुम्हें इंसेंटिव चाहिए. ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी एंड एट द एंड यू गेट टू गेस कि ये कहानी सच्ची है या झूठी. व्हाट? कैसा लगा कहानी का पहला ट्विस्ट? और अभी तो शुरू भी नहीं किया. वेट, सो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट. तुम मुझे कहानी सुनाओगी जो सच हो सकती है या झूठ, और खत्म होने के बाद मुझे गेस करना है कि वो क्या है. यप. ओके, तो मुझे क्या मिलेगा अगर मैंने सही गेस कर लिया तो? आई थिंक द रियल क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग इज क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो कि मैं तुम्हें सच बताऊंगी कि तुम सही हो या गलत. सी, व्हाइल दैट्स ट्रू, लेकिन तुम पर भरोसा करने का ना कोई रीजन है ना कोई फायदा. तो असली सवाल यह है कि तुम्हारी इस गेम को खेलने से मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिलेगा? इस सवाल का जवाब तुम्हें कहानी खत्म होने से पहले ही मिल जाएगा. कम ऑन, कुछ तो होगा. समथिंग दैट यू कैन टेल मी. नो नो नो, एंड दैट पार्ट इज नॉन नेगोशिएबल. फाइन, ओके. वेट, तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था कि मुझे कस्टमर्स के साथ पीने की इजाजत है या नहीं, क्यों? Because, okay, and this is where the fun starts. ये एक ड्रिंकिंग गेम है. हाँ, finally. पहले क्यों नहीं बताया? All right, okay. Now we're getting somewhere. Okay, so मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी और तुम कहानी के बीच में जब भी कोई सवाल पूछोगे, you have to drink. What? क्यों? That's 2 questions. तुम कितने predictable हो? Wait, but why would I? क्या तुम एक और सवाल पूछने वाले हो? नहीं, fine. Hang on. What about? I mean, okay. मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है if you also drink. Of course. मैं तो 2 घंटे से खेल रही हूँ. You know what? I was thinking that I'll let you decide my drinking rule. But तुम्हारी creativity काफी थकी हुई लग रही है. एक सेकेंड, मिस मुमताज. I know exactly what rule to give you. तो बोलो. तो अब आपकी अटेंशन है मेरे पास. आप रूल फरमाएंगे मिस्टर सलीम या मैं किसी और को ढूंढू? और है कौन यहां? ओके, सो यू ड्रिंक ईच टाइम आई कैच यू मोनोलॉगिंग. मोनोलॉगिंग ये कैसा रूल है? एज इन, ये एक 2-way कॉन्वर्सेशन होगी. अगर तुम कहानी सुनाते सुनाते लंबी बातों में घुस कर बोर करने लगी तो आई विल स्टॉप यू एंड यू विल हैव टू ड्रिंक. दैट साउंड्स टू इजी. Listen, I know what I'm doing. इस जॉब में घंटों दूसरों की बातें सुनता हूँ और लोगों को ना रोको तो वो अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुना देते हैं. तो देखते हैं तुम अपने आप को कितना रोक पाती हो. ओके, ठीक है. एक वाइन बॉटल साइड में रख लो मेरे लिए. और तुम क्या पियोगे? विस्की. विस्की संभाल के, इतना भी नहीं पिलाना तुम्हें कि तुम होश खो दो. अच्छा, देखते हैं कि कौन पहले होश होता है. ठीक है, तो
कहानी शुरू करें। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं लॉन्चोरा का नया पॉडकास्ट सिलसिला ये चाहत का, स्टारिंग गौरी सक्सेना एंड रिजुल कटारिया एंड रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मी। ये था हमारा पहला एपिसोड और इस कहानी का पार्ट वन। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @lakshya.d। जैसा आपने सुना ये कहानी तो अभी बस शुरू हुई है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड पार्ट टू, सात समुंदर पार। ट्यून इन ऑन योर फेवरेट पॉडकास्ट ऐप ऑन फ्राइडे नवंबर 19।